कैसे हो आप लोग। हमारा नाम है मेरा नाम है ध्रुव और हमारे साथ है मेरा दोस्त जतिन। तो गाइस आज हम करेंगे हार्ड कोर मोड की टेस्टिंग। तो स्टार्टिंग हमारी होती है, फर्स्ट डे है भाई ध्रुव का नहीं यानी भाई, मेरा। भाई मैं चीटिंग करके आया। अभी उसने चलते पहले भाई डस्टबिन तू लेगा। भाई जो ये है जतन, ये थोड़ा सा वैसा है, उसकी बात पे विश्वास नहीं करना। और पहले हम बहुत सारी वुड काटते हैं और ऐसे ही हम बहुत सारे टूल्स बनाते हैं। यही चलता है, आधे दिन हम यही करते हैं और ऐसे ही हमारा आधा दिन निकल जाता है। पेड़ काटते काटते हमको दिखती है एक साइड में केव। तो जतन कहता है कि चलो भाई केव में चलते हैं। तो गाइस यहाँ वैसे मैं एक बात बताऊं, ये बिल्कुल पागल है। पर पहले हम बाहर बैठ के, जितिन कहता है कि पहले हम एक बार वुड ले लेते हैं। और जितिन मेरे को कह रहा था कि हम पागल हैं, पर जितिन की बात पर विश्वास मत करना। और यहाँ पर हमने कुछ ले लिए हैं, कुछ टूल्स, और यहाँ पर काफी टेबल रखा हमने। और हम जाने वाले थे कि मैं, इसलिए हमने थोड़ी सी सोनी सोनी स्टोन तो ले तू, ले सिर्फ फिर स्टोन के टूल्स बना लेना सीधा। तो जितिन भाई ने कहा कि डायरेक्ट स्टोन के टूल्स बना लेंगे। तो मैंने स्टोन्स को जो है तोड़ना स्टार्ट किया और ऐसे बहुत सारे मैंने स्टोन्स कलेक्ट किया। और फिर हम चले गए केव में। तो हमको एकदम घुसते ही दिखता है बहुत सारा कोयला। तो मैं तो टूट ही पड़ता हूँ। और सारा कोयला हमको आवाज़ आती है कि यहाँ पर छत पे है। पहले टॉर्च बना ले। तो भाई जितने कहते हैं कि पहले टॉर्च बना लेते हैं। तो मैं क्राफ्टिंग टेबल को रखता हूँ थोड़ी दूर। और यहाँ से जो है मैं सोच ही रहा था कि एडिटर खुल जाता है। और मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि पीछे जो साउंड आ रही है वो मेरा दिमाग खा रही है। यहाँ क्राफ्टिंग टेबल थोड़ा और चार टॉर्चेस को पहले तो सारे तो मैंने, अरे लगाओ कि हमको ये क्राफ्टिंग नहीं मिल जाए। लगाते भाई। तो यहाँ पर हमने पहले बहुत सारा कोयला तोड़ने के बाद हम जाने वाले थे केव में। पर मैंने सोचा कि पहले हम थोड़ा सा कर लेते क्योंकि ये हार्ड कोर था। तो पहले हम आगे हमने बहुत, अब हमको आगे दिखता है बहुत सारा एक अलग बायोम। हमारे पीछे एक अलग है और आगे एक अलग है। तो मेरे को मसाले दिखती हैं। मतलब लेज तो जितिन का तुक्का सही निकलता है। और यहाँ पर हमको मिलता है एक लेज, और साथ में फूड, कुछ फूड, काउ वांट टू डाई। बेड दिख रहा है मुझे। जितिन को बेड दिख गया। ये क्या ग्लिच हो रहा था आपको? गाइस यहाँ पर तो हमको बहुत सारा खाना मिल सकता है। और ये कैसा ग्लिच है भाई, देख सकते हैं। लगता है कोई नहीं, हम पहले अपने इसको फूड को ले लेते हैं। पहले इन देखो पिगीज को मारना, नहीं, पिगी इसको मारते नहीं है, पहले इनको ये खोल छोड़ते दे हैं, तू आज। पहले इनको आजाद करते हैं। ये लोग खत्म चुका है ही भी। इससे अपने लिए बहुत सारा ब्रेड बन सकता है यानी खाने का भी इनफाइनाइट इंतजाम। सोर्स ऑफ वाटर, भाई विलेजर भी ना बड़े स्मार्ट आर होते यू हैं। टोमेडी मी? और यहाँ पर थोड़ी सैंड हमको इकट्ठी कर ले, लास्ट बना सकते हैं सैंड तो बाद में इकट्ठी करेंगे। भाई। अभी रात जो होने वाली है, तो हमने जतिन बोला कि हमको इसी विलेज में रहना चाहिए। और उसे जतिन को बोलता है कि भाई राज पीछे टैरिफ्स शिप है। टैरिफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर जतिन, फिर मैं सोचता हूँ कि अभी सो जाते हैं क्योंकि टॉर्चेस, शाम हो चुकी है। और यहाँ पर आयरन ज़ॉम्बियन, गोलम है, यस आयरन टैंक जाम भी हो गया भाई तो बस हम हमारे। यहाँ पर सोते हैं और फिर सुबह मिलते हैं। तो गाइस ये होता है हमारा डे सेकंड। और यहाँ पर जतिन जो है खेल रहा होता है। तो जतिन को जो है स्प्लिट कंट्रोल्स खेलने की आदत नहीं थी, पर फिर भी वो पूरी जी जान के साथ खेलता है। और वो पहले टॉस तोड़ने जाते हैं। जतिन थोड़ा सा वो कर रहा था यानी इसे ज़रूरत थी, बट हमारे पास फोटो चेस पहले ही थी। इनफाइनाइट उसके बाद
जतिन कहता है कि चलो थोड़े से जानवरों को मारते हैं। फिर वो पहले थोड़ी कहता है कि कैरेट्स, पहले कैरेट ले लेते हैं। यहाँ पर एक वो आयरन गोला, अब आयरन गोला को भी आयरन मारना गोलम है। को देख के जतिन और मेरे मन में लालच बैठ जाता है। पर वो विलेजर, वो हमको देख लेता है बंदा जिसका वैसे फार्म भी होता है। अब मेरे को तो लगता है कि भाई वो हमको अपने फार्म में जीने नहीं देगा। तो हम अब देखते यहाँ हैं से हम थोड़ी सीप मिलती, हम यहाँ से थोड़ी सीप तो मारते हैं। पर जतिन आयरन गोलम को मारने जाता है, मैं फिर चेतावनी देता हूँ कि जान बचाना। पर जतिन पहले आयरन गोलम के थप्पड़ मारने जा रहा था, इधर लड़ रहा है यार। तो फिर उसको अरे हम मारे। अरे हाँ, अरे यार पर जतिन की चाहिए। वजह से एक हार्डकोर मोड खत्म हो गया था और अब हमको एक और हार्डकोर मोड स्टार्ट करना पड़ेगा। एक नया दिन, नई शुरुआत। आते ही टोल दिख रहा है उनका तो मेरे भाई, को भी तुम दिख तो गया बोर है। लगती है। पिछली बार मैंने जो किया था भाई, आते ही सैंड। तो यहाँ पर हमको ट्री दिख चुका है, तो हमने पहले इसको काटते हैं और फिर सोचेंगे कि आगे क्या करेंगे। यहाँ पर हमको बहुत सारा सामान मिल चुका है और इस हार्डकोर वर्ल्ड में मैं नहीं चाहता कि हम जल्दी मरें, तो हमको एक जल्दी से एक खुफिया दस्तावेज घर ढूंढ लेना है। पहले मैंने सोचा कि हम खोल लेंगे तो सबसे एकदम, पहले पर ड्राफ्टिंग टेबल भी बनाएंगे। पहले हमको करीब चले जाना चाहिए क्योंकि हम पहले एक अच्छी सी जगह भी तो ढूंढनी होगी हमको, और पेड़ भी उगाने अपने। और यहाँ पर जो है मैं नई नई चीज़ें नहीं है इसमें, इसमें है एक क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं और न्यू ही और बना लेते हैं जल्दी से एक पिकैक्स, अच्छा वुडन पिकैक्स। तो यहाँ पर हम इसको काटते हैं और फिर हम इसको तोड़ के चलते हैं आगे के सफर। तो यहाँ पर हमको आगे शिप दिखती है, तो हम सोचते हैं आज तो शिप का भोजन करना ही चाहिए और हम इसे मारने जाते हैं और ये मरती भी बहुत है। के ट्रैप सा था तो हम चलते फिर आगे। यहाँ पर हमको बहुत सारी शिप्स दिखती हैं, तो जतिन कहता है भाई शिप मार ले, तो मैं यहाँ उसी कहकर मार देता हूँ। थोड़ा लैग होता है मेरा टैब। बस मैंने सुना है कि फॉर्चून 3 से मारने पे शायद इनका भी जो है नहीं मल्टीप्लाई नहीं अपना नहीं नहीं मिलता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ लगता है फॉर्चून 3 से वैसे और सिर्फ होते हैं ना वे, तो और से जोरदार अच्छी चीजें मिलती है ना वे, ज्यादा मिलती है। अब तो ये भाई लो आयरन से भी आयरन और नहीं, आयरन आयरन मिलता है, इसलिए भाई फॉर्चून 3 अब इस अपडेट के बाद तो बहुत ही ज्यादा वैसी हो रही है। तो हम फिर आगे ढूंढते हैं कि भाई हमको क्या मिलता है, कोई विलेज मिलती है या नहीं, क्या आज यहीं पे बसारा करना पड़ेगा क्या। पर मेरे को और जतिन को मैं बहुत ज़्यादा जानवर दिखते हैं, तो मैं सोचता भाई कि मारने में ध्यान मत दे, अभी रात भी होने वाली है, इसलिए पहले तो मैं इस गधे की बच्चे को मारने वाला हूँ। भाई गधे क्या है, सिलेंडर। सिर्फ लेदर भी काफ़ी है भाई। और यहाँ पर हमको बहुत सारी काउस दिखती है, ये तो दो में मर रही है रोई भाई। हर तो रहे, रात होने वाली है, ओ गाइस यहाँ पर रात होने वाली है, तो जल्दी ही मेरे को बेड बनाना पड़ेगा। प्रॉपर में मत सोना, टूटी पराठे फूट जाएगा। गाइस इसको तो यहीं पे छोड़ते हैं, तो चलिए गाइस चलते हैं अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ऊपर की साइड डूब लो तो प्यार रहते हो। यहाँ पर जतिन जो है हमको बता रहा है कि वो कैसे तो हम, जिस और आज का दिन ऐसे बहुत अच्छी तरह है तेरे हमारा पास निकल जाता है और हमारा मज़ा ही मज़ा। यहाँ पर डे 2 और हमारा बड़ा अच्छा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे ब्लड खोद के। और यहाँ हमने कुछ डर्ट भी कलेक्ट हो गई, और शायद मैंने बहुत शाम को भी बाहर ही छोड़ दिया था अपने इसको। चलो भाई भाई मेरे को शक है कि भाई यहाँ पर विलेज है क्योंकि इतने जान नहीं, यहाँ पर नहीं है विलेज।
जहाँ पर बहुत ज्यादा जानवर होते हैं वहां पर विलेज मिलती नहीं, और जहाँ पर एकदम कम कम जानवर होते हैं वहां पर इतनी जल्दी। ओ भाई वो यहाँ पर सीजन चेंज हो चुका है, मैंने कही थी नहीं नहीं है विलेज, कोई नहीं, पम्पकिंस तो हमको यहाँ पर बहुत कम के मिल चुके। भी ले ले, कुछ बनाने देता हूँ आज। तो भाई ये कितनी जल्दी टूट रहे हैं, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार। इस अपडेट के बाद इस हार्डकोर में बहुत बदलाव आ चुका है। और अब तो यूँ भी नहीं पता चल नहीं रहा रुक है रहा कि बेटा, डे है नाइट है। और यहाँ पर दो ही रहते हैं तो मैं इनको छोड़ दूंगा, कुछ होगा तो छोड़ देना चाहिए। गाइस मेरे को लगता है कि हमको आयरन लाना चाहिए। गाइस आवाज ही बहुत खतरनाक है यहाँ पे तो। ओके गाइस यहाँ पर कुछ है आगे तो ठीक है, गाइस, आपको आयरन दे देना चाहिए। हमने यहाँ पर आयरन देख लिया तो यहाँ तो बस खुशी हो गए थे कि आयरन मिल चुका है। तीन रन काफी थे, एक पिकेक्स तो बन ही सकती थी, पर अभी जो है इतना खेल कूद नहीं सकते थे क्योंकि ये हार्डकोर था भाई। तो पहले हम एक कौन बेस्ट, डेली टाइम या फिर फर्नेस वगैरह बनाना है जैसे। पहले गाइस हमको एक बेस चाहिए था। गाइस ये पीछे स्पाइडर, मैं तो डर ही गया था। भागो 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 गाइस, स्पाइडर जो है भाई पॉइजनस होता है तो उससे थोड़ा बच के रहना है। अभी बचते थे आयरन होता तो भी हम बच सकते थे, तो अपने आस पास टाव होते हम मिट्टी पे पी सकते थे। पर अभी फर्नेस में तो इतने टाइम में तो हम मर ही जाते हैं। गाइस चलो भाई अब मिलते हैं हम आपको सीधे डे 3 में। ये जो है हमारा डे 3 चल रहा है और यहाँ हमको ये जगह भाग चुकी है, तो हम यहीं पे अपना घर बनाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे अपना घर और करेंगे मज़ा अपने घर में, लग्जरियस घर एक नाम बनाएंगे। ड्राइवर भी नीचे बेस बनाते रहेंगे। ओके गाइस टाटा बाय बाय।